हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होममेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिज़ाइनर केप बनाना, और इस केप को हम अपने ब्लाउज या किसी भी ड्रेस या गाउन के ऊपर वेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे बनाए हुए डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो ये मेरी सारी ड्रेसेस मीशो पर अवेलेबल हैं। आप मीशो ऐप पर जाइए और राइबिया सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, और आप उसमें से अपना कोई भी मनपसंद प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मीशो पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अपलोड करूं उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो फिर चलिए हम केप बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, केप बनाने के लिए ये मीटर मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, ये नेट का फैब्रिक है और ये कुछ लेस है, तो इससे आज मैं एक डिज़ाइनर केप बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इस फैब्रिक को, ये आप देख सकते हैं, ये 1 मीटर फैब्रिक है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हो गया एक बार ऐसे, और फिर इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये बिल्कुल इसको स्क्वायर शेप में पहले हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसको मैंने चौकोर शेप में फोल्ड कर दिया है, और ये देखिए, ये 1 2 3 4 4 फोल्ड हो गया है, और इधर से ये जॉइंट है और इधर से भी, तो इधर कॉर्नर से हम नापेंगे यहाँ से, तो ये 19 इंचेस है इधर, और इस तरफ ये 21 इंचेस है, तो ये 19 इंचेस पर हम पूरा राउंड शेप में निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 19 इंचेस पर ही इसको हम कॉर्नर पे रखेंगे और बस थोड़ा थोड़ा सरकाते जाएंगे नीचे से, ये आप देख सकते हैं, और 19 इंचेस पर हम इस टाइप से डॉट्स बनाते जाएंगे, ये देखिए इस टाइप से, ये बहुत आसान होता है, ये हो गया, और फिर 19 इंचेस पर, और इधर से भी 19 इंचेस पर ही हम ये निशान लगा लेंगे, और फिर इस निशान को हम मिला लेंगे। तो इसको मैंने मिला दिया है, और अब यहाँ से हम नेक का निशान लगाएंगे, तो ये हम 3 इंच पर भी लगा सकते हैं, बट मैं थोड़ी गहराई इसकी ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मैं इसमें डोरी अटैच करूँगी, तो मैं ये 6 इंच ले लेती हूँ। आप 3 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं, तो ये मैं 6 इंच पर इसी टाइप से जैसे मैंने नीचे निशान लगाया था सेम उसी टाइप से मैं यहाँ पर भी ऐसे राउंड शेप में ऐसे निशान लगा लूँगी, और फिर इसको भी मैं मिला लूँगी, और अब बस इस लाइन पर और इस लाइन पर हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है, और ये आप देख सकते हैं कि ये केप हमारी ये बनकर रेडी हो गई है, ये देखिए, इसको मैं ऐसे खोलकर आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा ऐसे राउंड शेप में आ गई है, और अब बस इसके कॉर्नर्स पर ये जो लेस मैंने रखी थी इस लेस को हम इसके ऊपर ऐसे इसके सारे किनारों पर अटैच कर देंगे, और ये इसके ऊपर हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड कर करके पूरा राउंड शेप में इस पर हम मशीन चला लेंगे। तो इसके नीचे मैंने लेस अटैच कर दी है, ये आप देख सकते हैं, और अब ये ऊपर की तरफ अब हम इसको फोल्ड करके सिलेंगे, तो इसको मैं इस टाइप से रखूँगी पहले, और फिर एक जगह से हम इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो ऐसे कट कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है, और अब हम इसको इस टाइप से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और बस इस पर हम मशीन चलाते जाएंगे जिससे ये इसके अंदर हम डोरी लगा सकें। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने केप में लगाने के लिए डोरी बनाएंगे, तो हमको जितनी भी लंबी डोरी बनानी हो उतनी लंबी हम पट्टी कट कर लेंगे। इस पट्टी की विड्थ 1.5 इंचेस है, और ये एक डोरी है जिससे हम पाइपिंग वगैरह बनाते हैं, या इसके अलावा और कोई भी डोरी हम ले सकते हैं। इसको हम ऐसे इसके बीचों बीच रखेंगे, और फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम सिलाई बखिया चला देंगे, फिर इसके किनारों पर हम बखिया चलाते जाएंगे, और फिर हम इसको पलटकर सीधा करेंगे। तो इस डोरी को मैं ऐसे रखूँगी, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके बस इसके किनारों पर हम इस टाइप से सिलाई चलाते जाएंगे।
तो ये डोरी मैंने सिल ली है और अब ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम इस टाइप से कट कर लेंगे। ये बिल्कुल सिलाई के पास से, सिलाई न कटे, और बस इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर दें। तो ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और यहाँ से भी मैंने सिलाई चलाई थी और ये जो थोड़ा सा धागा निकला हुआ है इसको भी हम इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं, ऐसे कट कर लेंगे और फिर इसको हम ऐसे सरकाएंगे थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, और फिर इसको यहाँ से ये इस टाइप से हम इसको धीरे धीरे ऐसे सीधा करेंगे। और ये देखिए, ये बहुत आराम से इस टाइप से ये सीधा होता जाएगा। बस इसको हम इधर से ऐसे सरकाएंगे, इस डोरी को हम बाहर निकालते जाएंगे और इस फैब्रिक को हम नीचे की तरफ लाकर यहाँ से इस टाइप से ऐसे इसको, ये बहुत आसान होता है और बहुत पतली डोरी इस टाइप से हमारी बन जाती है। ये देखिए, ऐसे हम इसको सरकाते लाएंगे और ये देखिए हमारी डोरी ये इधर से तैयार होती जा रही है और ये हमारी डोरी बनकर रेडी हो गई है। और इसको मैंने ऊपर से मोड़कर सिलाई कर दी है और अब इस डोरी को किसी भी सेफ्टी पिन वगैरह की मदद से हम इस टाइप से, ये देखिए, इसमें से इस टाइप से ऐसे पास कर लेंगे और इसको इधर से पास करते हुए यहाँ से वापस से हम निकाल लेंगे। तो ये डोरी मैंने लगा ली है और अब हम इसमें नीचे की तरफ लटकन या तो खुद बनाकर लगा सकते हैं या फिर मार्केट का भी लटकन हम लगा सकते हैं। और अब इस डोरी को अगर हम चाहें तो ऐसे खींचकर इसको छोटा बड़ा भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने ये लटकन बनाकर लगा दिया है और ये केप बनकर रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं, और ये देखने में बहुत प्यारी लग रही है। और फ्रेंड्स, हमको जब भी इसे वियर करना हो तो इस डोरी को हम खींचकर, ये आप देख सकते हैं, इस नेक को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें छोटा गला पसंद है तो इस डोरी को हम खींचकर बांध लेंगे तो इसकी नेक, ये आप देख सकते हैं, छोटी भी हो सकती है, और अगर हमको बड़ा करना है तो इसको हम ऐसे फैलाकर बड़ा भी करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके वियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये केप बनकर रेडी हो गया है और पहनने के बाद इस केप का लुक कितना प्यारा लग रहा है। इस केप को हम किसी भी गाउन, अपनी ड्रेस या किसी भी चीज़ के ऊपर वेयर कर सकते हैं और इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। और फ्रेंड्स, ये पूरा गाउन बनाने की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। और अगर आपको ये गाउन पसंद आए तो आप इस गाउन को मीशो ऐप पर जाकर खरीद भी सकती हैं। आप मीशो ऐप पर जाइए और राइबिया सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। उसमें से आप अपना मनपसंद कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मीशो पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अपलोड करूं उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।